Hey guys, this is Anu Joshi once again with you all on AJ Today YouTube channel, and today I'm here to give you the solution of the FCAT exam which was held on 16th Feb in morning shift. So firstly हम quant discuss करते हैं कि quant में कैसे question आए थे और उसके solution क्या थे, ठीक है ना। मैं ये वाली shift इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये shift मैंने दी थी और मुझे maximum question इसके याद हैं कि क्या क्या question थे और कैसे कैसे हमने करना था इसको, ठीक है ना। मुझे मैंने बाकी जो शिफ्ट थी 16 की इवनिंग, 17 की मॉर्निंग और 17 की इवनिंग, मुझे केवल इसमें जीएस के क्वेश्चन ही मिले, मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने और यूट्यूब चैनल में भी देख लिया होगा कि कौन क्या क्या था, लेकिन मैं आपको पूरा ब्रीफ सॉल्यूशन दूंगा कि हमने कैसे करने थे एक्चुअली में क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग अगर मेरे से पहले जुड़े होगा तो मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि 10 क्वेश्चन डाल के आपको बोल दिया ये क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आए थे, और डजंट मैटर करने कैसे थे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो था एफकेट में वो था एवरेज से रिलेटेड, और जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे मैंने उनको कहा था कि एन अकेडमी पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, तो मैंने कहा भी था कि एन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए और मैं वहाँ पे आपको फुल क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। एन अकेडमी मैंने फॉलो करने के लिए कहा था और वहाँ पे मैंने डिट्टो एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, इसमें जैसे हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की आपको एवरेज एज दे रखी थी 22 इयर्स, कितने साल पहले, 5 साल पहले बोला था, 5 साल। तो भाई जब 5 साल पहले इनकी एवरेज एज 20 ईयर थी तो 5 साल बाद इसकी भी तो एज बढ़ेगी, इनकी एज भी तो 5-5 साल बढ़ेगी, तो प्रेजेंट एज में क्या आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ और जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन का जो सम था वो हो जाना था 66 + 75, दैट इज आपका 81 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि जो वाइफ और चिल्ड्रन जो है, जो वाइफ और जो चिल्ड्रन जो है उसका जो आपका उसका जो आपका क्या है, ये आपका 18 इयर्स दे रखा था कि 18 इनका एवरेज है कितने साल पहले, 2 इयर्स पहले, तो इस तरह का कुछ 2 इयर्स पहले। तो अगर मैं यहाँ निकालूंगा 36 इनका क्या हो जाएगा भाई, 18 × 36 इनका एवरेज एज आ जाएगी, है ना, 2 साल पहले, लेकिन फिर वाइफ की भी 2 साल बढ़ेगी, चिल्ड्रन की भी 2 साल बढ़ेगी, तो हम 4 साल ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि 40 इयर्स इनका, देखो वाइफ और उसका प्रेजेंट एज आ रही है और तीनों का जो आ रहा है वो 81 आ रहा है, तो हम जब इस 81 को 40 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 41। 41 किसकी एज हो गई, हस्बैंड की एज हो गई। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई हस्बैंड की एज कितनी होगी, तो हस्बैंड की एज 41 था, ठीक है ना, 41 इयर्स। तो जिन्होंने 41 किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी एवरेज पे ही था। एवरेज में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, थोड़ा सा लेंथी और कैलकुलेटिव था, ठीक है ना। तो समझा देता हूँ क्या था एक्चुअली में क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, वो 22 ईयर्स थे, ठीक है, 22 या समथिंग कुछ ऐसे इनका एवरेज था। इसका आंसर जो परफेक्ट आंसर था वो 62 था गाइस, ठीक है ना। फैक्ट फिगर्स यहाँ पे उल्टे थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर 41 था, इसका आंसर 62 था। होप्सो आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या क्या था। तो इस तरह से था क्वेश्चन, ये बोला गया था कि ए बी सी जो उनका एवरेज जो है वो 22 ईयर्स है, लेकिन जब डी एड कर दिया जाता है, ए बी सी में जब डी एड कर दिया जाता है तो इनका एवरेज 26 हो जाता है, ठीक है ना। और जो एक ई है, ई क्या है कि जो डी प्लस डी से 4 किलो उसका वेट ज़्यादा है। अगर मैं कहता है कि अगर जो ए को रिप्लेस करता है ई तो इनका एवरेज एज हो जाता है 28 केजी। तो आपको बताना था कि ए का वेट कितना होगा, कुछ नहीं करना था गाइज इसमें, मैं इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं कराता हूँ, बस आपको 62 इसका जो परफेक्ट आंसर था। इसमें देखो जैसे हमने ये ऊपर किया है ना, ये वाला ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट किया है हमने, इसी तरह के कॉन्सेप्ट लगाना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22, दैट इज 66 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का सम है वो 66 हो जाता है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डी का सम यहाँ पे आप कर सकते हो 26 × 4, और यहाँ पे देखिए ए बाई बी 66 आ गया, तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो डी की जब वैल्यू मिल जाएगी तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी तो 28 एवरेज दे रखा है, तब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकालो और यहाँ ऊपर रख दो, तो ए की वैल्यू भी आपको आराम से मिल जाएगी बी सी डी वगैरह में, ठीक है ना। तो यहाँ पे से जब आप बी सी डी हटाओगे, यहाँ नीचे भी तो बी सी डी ई मिला है, आपको ई डी को चेंज कर दीजिए, तो जैसे ही माइनस करेंगे इसको इसको तभी भी आपका सीधे ए का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना था, इसका आंसर जो था वो 62 kg था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन था एक 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 सेल कीपर, मतलब एक आदमी था सपोज ए, ठीक है ना, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ए था, उसके पास एक वॉच थी और एक पेन ड्राइव थी, ठीक है ना, दोनों की उसने सेल किस पे किया, 564 पे किया और 564 पे किया, ठीक है ना।
इसने वॉच को भी 564 पे किया और इसको भी पेन ड्राइव को भी 564 में इसने क्या किया, सेल कर दिया। क्या किया? सेल किया। लेकिन जब उसने 564 पे उसने पेन ड्राइव को सेल किया तो उसे 23 का क्या हुआ, परसेंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब 564 में उसने क्या किया, सेल किया, तो उसे 23 का लॉस हुआ। तो गाइस इसमें जो लोग जुड़े हुए होंगे मेरे साथ, मैंने उनको बहुत बार बोला है कि जब किस क्या हो यहाँ पे डेटा सेम हो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस दिखाई जाए ऐसे तरीके से, अगर ये डेटा सेम है ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये लगा दीजिए एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव वाई, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से जो आएगा देखो, पॉजिटिव 23 माइनस 23 और नेगेटिव 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज आ जाएगा 5.29%। तो 5.29% कितना होल में, किसमें, होल में गाइस, होल में क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है। क्या हुआ? क्योंकि नेगेटिव आएगा ना ये, दैट इज अ होल लॉस। तो लॉस, अब लॉस परसेंट तो आपको पता चल चुका है कि 5.29% आपको होल में लॉस हुआ है। अब आपको लॉस भी तो निकालना है कि लॉस एक्चुअली में कितना हुआ था, कितना रुपए हुआ था, क्योंकि आप ऑप्शन में रुपए में था गाइस। तो चाहो तो आप इसको कैसे भी कर लीजिए, इट्स अप टू यू। लेकिन हम जानते हैं कि, मैं जानता हूं कि अगर 5.29% है तो मुझे निकालने के लिए क्या निकालना है, 5.29% ऑफ होल निकालना है ना। तो 5.29 अपॉन 100 इंटू होल कैसे निकलेगा, 564 को आप ऐड कर दीजिए, याद आएगा 3128। और 3128 को क्या करेगा, सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 164 पॉइंट, जो आपका ऑप्शन सी था शायद, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 164.5, और आपको याद भी आ रहा होगा कि ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं थे गाइज, बस जो टोटली क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे और क्वेश्चन थे। उसके बाद जो मुझे याद है, उसके बाद दो सिंप्लीफिकेशन आ रही थी, एक सिंप्लीफिकेशन मुझे याद है, एक सिंप्लीफिकेशन मुझे याद नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ये थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 78 इंटू 148 डिवाइडेड बाय 481, इसको समथिंग आप सॉल्व कर रहे थे, तो इसका आंसर 576 के आसपास आ रहा था, ठीक है ना। दूसरी सिंप्लीफिकेशन मेरे को याद नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन क्या थी, लेकिन समथिंग उसमें क्या था, कुछ रूट 78 था, मुझे इतना याद है, ऐसे प्लस में था, रूट 78 था। और मुझे जो क्वेश्चन, मुझे लगा कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि नीचे ऑप्शन जो थे वो डायरेक्टली बिना रूट वाली चीज़ों पे थे, ठीक है ना। और अगर हम इसका अप्रोक्सीमेटली भी निकालें, कोई कह रहा था कि इसका अप्रोक्सीमेटली निकाल लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो पॉइंट में तो आएगी ही आएगी मेरे भाई, बात चीज़ ना, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं था, फिर भी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। अगर आप लोगों ने इसे किया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने जस्ट लीव छोड़ दिया था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका परसेंटेज पे डिपेंड था, हाँ एक परसेंटेज पे आया था, परसेंटेज का वोटिंग वाला। ये भी इसी डिट्टो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अनअकैडमी पे कराया था और बताया भी था कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है ना गाइस। इसमें ये बोला था कि 100 लोग थे, उसमें से क्या था 10%, इसका आंसर बता देता हूँ क्या, इसका आंसर था 40,000 गाइस, 40,000 इसका करेक्ट आंसर था, जिन्होंने 40,000 मारा होगा। और बोला कि 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड हो गए तो बच्चा कितने वैलिड, कितने बचे, 90 का 40% भाई इसको मिला है, जीतने वाले को मिला है, और जो जो बचेगा, तो एक को 40% मिले हैं। अगर एक को 40% मिले हैं तो मैंने बताया था कि भाई जो 90 है उसको 100 मान लेंगे, तो दूसरे को भाई 60% ही मिले होंगे, है ना। अगर एक को 40% मिले, दूसरे को 60% मिले, तो इन दोनों का गैप, बोला जीतने वाले को 72 वोट ज़्यादा मिले। तो वोट ज़्यादा कब मिलेंगे, जब 60 माइनस 40 होगा, किसका, इस 90 का, ठीक है ना, इजिकल्स टू 720। तो यहाँ से आपकी 18 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 18, यहाँ से अगर आप इसे करोगे ना, तो ये आ जाएगा 20%। तो 20 अपॉन 100, 20 आ जाएगा ना, 20 अपॉन 100, दैट इज 1/5, 1/5 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 18, और 18 जो होगा वो 72 के इक्वल होगा, और जो 18% अगर 72 के परसेंट के इक्वल है, तो एक जो परसेंटेज है वो 400 के इक्वल है, तो हमें 100% निकालनी थी, तो 400 और आ जाएगा 40,000। तो आंसर इसका क्या था, 40,000 था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन था परसेंटेज पे, कि देखो भाई ये थी नेहा, ये थी दीपाली, और ये थी गुरुप्रीत, इस तरह का क्वेश्चन था।
दीपाली था या दीपिका था, आई डोंट केयर, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, बस ऐसे ही था। देखिए, जो दीपाली थी वो नेहा से 10% कम में बेचती थी, और जो ये वाली थी, ये जो दीपाली थी वो इससे 10% ज्यादा में बेचती थी, 10% ज्यादा में बेचती थी, ठीक है। अगर गुरप्रीत कोई 100 में, कोई सपोज कोई नेहा का कोई कस्टमर है, वो गुरप्रीत से चीज खरीद लेता है, ठीक है ना, गुरप्रीत से चीज खरीद लेता है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन करते कैसे हैं, तो देखिए, सपोज मान लेते हैं कि ये 110 रुपये में कोई चीज बेचती है, ठीक है ना, तो चलो इसको अगर आप ऐसे भी नहीं करते, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज गुरप्रीत है, तो गुरप्रीत दीपावली को कितने रुपए में बेचेगी, वो 110 रुपये में बेचेगी, और फिर से 110 रुपये में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121 रुपये, ठीक है ना, तो 121 मतलब वो 21 रुपये ज्यादा में बेचती है। अगर ये 100 रुपये में बेचती है, तो ये कितने रुपये में बेचेगी, 121 रुपये में बेचेगी। नेहा, जो चीज नेहा 121 रुपये में बेची थी, वो कितने रुपये में बेच रहा था, 100 रुपये में बेच रहा था, तो 21, ठीक है ना, तो 21 रुपये ज्यादा में बेच रही थी, ठीक है, कितने में से आपका, तो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 120% आ जाएगा, ठीक है ना, 20%, तो इसका जो नियरली नियरली आंसर था ना, वो 21/9% था, 21/2/9% गाइस। अब मैं बताता हूँ इसका एक्चुअली में था क्या केस, अगर आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करोगे ना, तो मैं समझाता हूँ, लाइक इसको मैं ढंग से समझाता हूँ। सपोज कोई नेहा जो है वो 100 रुपये में बेचती है, तो वो दीपाली 90 रुपये में बेचेगी, और ये क्या करेगी, 81 में बेचेगी, तो 81 यहाँ पे इसने बोला गुरप्रीत जो है वो 100 रुपये, जो नेहा का कस्टमर था वो दीपाली पे खरीदता था, मतलब वो अब वो 81 खरीद रहा है, पहले वो कितने खरीद रहा था, आपके 100 खरीद रहा था, 100 मतलब वो पहले जो 81 है ना, वो 100 के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब एक यूनिट जो है वो 100 बाई कितनी हो जाएगी, 81, तो जो 100 है नेहा वाली, 100 जो है वो 100 × 100/81, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 123 के आसपास आएगा, और अगर मैंने यहाँ पे जो 121 आया ना, 121 ये देख सकते हो आप, ठीक है ना, तो 121 और 123 के आसपास आ रही है, देखो यहाँ पे नेहा 123 बेच रही है, यहाँ पे नेहा 21 आ रही है, तो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो 22 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है ना, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइज वो था आपका परसेंटेज हो गया, टाइम उस पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे था, टाइम एंड डिस्टेंस पे था, बोला कि एक ट्रेन, देखो ये पी पॉइंट है कोई, और ये पी क्यू पॉइंट है कोई, वो एक ट्रेन यहाँ से चल रही है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, डिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने अनअकैडमी पे कराया था, उसका आंसर भी 700 आ रहा था, और जो अभी क्वेश्चन आया उसका भी 700 ही आंसर था, ठीक है ना, जिन्होंने किया होगा। दूसरी ट्रेन है जो क्यू है, वो 180 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, किलोमीटर पर आवर से स्पीड, अपर स्पीड, ओके गाइस, बोला कि जब ये क्यू से चली और ये चली, ये 60 किलोमीटर चली, 80 किलोमीटर, एट द टाइम दे मीट, मतलब ये पी रहा और ये क्यू रहा, ये यहाँ पे कहीं पे मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे मिले, ये इस पॉइंट पे जब मिले, तो ये 100 किलोमीटर ज्यादा चली थी, जो क्यू वाली ट्रेन थी वो 100 किलोमीटर ज्यादा चली थी, मतलब सपोज ये एक्स चली होगी, तो ये एक्स प्लस 100 चली थी, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने आपको बोला भी था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हमारा सेंस गाइस, आप ना एकदम से आराम से अपने सेंस के बेसिस पे अपना काम कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई ये 100 किलोमीटर ज़्यादा क्यों चली होगी, क्यों चली ये वाली क्यू ट्रेन ज़्यादा, आप बोलोगे इसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो मैंने बोला कितनी थी, तो बोला आपने बोला कि सर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चल पा रहा था भाई, अगर इसी गैप की वजह से तो 100 किलोमीटर ज्यादा चल पाया, अगर गैप नहीं होता तो चल ही नहीं पाता 100 किलोमीटर ज्यादा। तो एक मैं यहाँ से कह दूं कि देखो ये आवर है, ये आवर इधर चल जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कि जो एक यूनिट है, जो एक यूनिट है वो कितने के हुआ है, 5 आवर, मतलब जहां पे ये मिले हैं एक्चुअली में, ये यूनिट का मतलब ये है, एक यूनिट मतलब एक यूनिट काम इसने किया पीने वहां तक पहुंचने में, एक यूनिट काम इसने किया, तो 5 घंटे, 5 घंटे में ये एक्चुअली में मिले थे, 5 घंटे पी ने यहाँ से सफर किया, 5 आवर, और 5 आवर इसने यहाँ सफर किया,
तो आपसे पूछा कि वो कितना होगा, तो भाई पी ने अगर 5 घंटे काम किया है 60 किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर पर आवर कैसे, तो पी ने जो डिस्टेंस कवर करी वो 300 आ गई। उसी तरह क्यू ने 5 घंटे में 80 किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर की वो आ गई 400 किलोमीटर। टोटल जो आ गया आंसर आ गया 700 किलोमीटर। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन था गाइज सिंपल इंटरेस्ट, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे था एक क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स। ओके, एक था आपका कौन क्वेश्चन जो था, वेट, ठीक है ना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये था कि सपोज ये 3000 रुपये लेता है, ठीक है ना, 10% के हिसाब से समथिंग, और ये हर हर ईयर में 1000 रुपये लौटा देता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था गाइस, है ना। हर ईयर फर्स्ट ईयर में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का करता है, और ये हर साल 10 रुपये चुका देता है, मतलब सॉरी 1000 रुपये दे देता है, 10% का इस पे वो रहता है, लेकिन ये चौथे साल है मतलब ऑन द फोर्थ ईयर ये कितने रुपये पे करेगा, टोटल कितने रुपये पे करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अगर हम देखें 10% के हिसाब से, तो पहले साल में 10% के हिसाब से ये हो जाएगा 3300 गाइस। कितना हो जाएगा, 3300, इसने 1000 रुपये दे दिए, तो अब बचा कितना, 2300। अब इस 2300 पे भी 10% के हिसाब से लगेगा, तो ये आ जाएगा 230 आपका, और 230 अगर मैं 2300 पे जोड़ूँ, 2300 पे जोड़ूँ, तो 3 3 2 5 और 2, मतलब 2530 टोटल अमाउंट दूसरे साल में जब हुई तब 2530 भी, लेकिन इसने 1000 रुपये फिर दे दिए, और जो आपके पास बच गई 530, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। और 530 जो क्वेश्चन था उस पे, अब इस 530 पे भी तो 1/10 के हिसाब से तीसरे साल में लगेगा ब्याज, तो वो आ जाएगा 153। अब मैं 153 इस पे ऐड करूँ तो वो आ जाएगा 3538616 83, तो 1683 टोटल अमाउंट हो गई थर्ड ईयर, लेकिन इसने 1000 रुपये फिर तीसरे साल बाद दे देगा, और जो आंसर आएगा वो 683 आएगा। लेकिन जब चौथे साल में 683 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10% इस पे भी लगेगा, जो कि आ जाएगा आप पे 68.3। अब 68.3 683 68.3 हम ऐड करेंगे, 3 8 3 8 3 11, हर लगे 1 8 14, और 1 15, हर लगी 1, ये आ जाएगा 751। तो आंसर जो था आपका वो 751.3, यही था डिट्टो क्वेश्चन साइड से, यही था उसका आंसर, था 751.3। इस तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और जो इस पे आया था, जो मुझे इंपॉर्टेंट मुझे याद है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि समथिंग 9 मैन और 4 वुमन किसी काम को 5 डेज में कर सकते हैं, है ना, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। और 20 मैन प्लस 20 वुमन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था गाइज। तो इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले हमारा एम जो होता है, और नहीं सॉरी क्वेश्चन कुछ और भी था इसमें, हमसे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि सॉरी 20 वुमेन 20 मैन नहीं बोला था इसमें, ये बोला था 9 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 5 डेज में कर देते हैं, और वही काम वो 4 मैन या 3 वुमन ऐसे कुछ करके आ रहा था कि इतने दिन में कर देते हैं, तो कुछ मैन और वुमन कितने दिन में कर देंगे उस काम को, इस तरह का क्वेश्चन था गाइस। तो इसमें हमें एफिशिएंसी करनी आती है, जो मेरे को याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि जो मेरी एफिशिएंसी आ रही थी, जो 1 मैन है ना, वो आई थिंक 4 ऐसे कुछ आ रही थी, मुझे याद नहीं है ढंग से क्वेश्चन क्या है, 4/5 वुमन आ रही थी। फिर हम इसको यहाँ के रख देते हैं, और फिर मतलब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं लास्ट में। मैंने बता भी रखा है कि हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा चेन रूल लास्ट में, पहले एफिशिएंसी लेके आते हैं मैन और वुमन की, और फिर लास्ट में चेन रूल पे लगा देते हैं। इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और बट ऐसे ही क्वेश्चन था डिट्टो, और उसमें हमें ऐसे ही करना था, मैन और वुमन, फिर लास्ट में जो आंसर आ रहा था शायद से 11 डेज आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना, 11 डेज आ रहा था शायद शायद, ठीक है ना। तो ओके, और कुछ जो क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क पे था शायद। और ओके गाइस, शायद से इतने ही क्वेश्चन थे जितने मेरे मुझे याद आ रहे हैं अभी डिस्कस। दो आपके सिंप्लीफिकेशन थे। ओके, वेन एंड डायग्राम, एक वेन एंड डायग्राम पे भी आया था एक क्वेश्चन, जिसमें लोगों ने बोला कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर 45 आ रहा था। अब 45 कैसे आ रहा था, चलो मैं बता देता हूँ गाइस। देखिए, उस
उसमें बोला गया था 105 लोग थे, जिसमें इंग्लिश में आपके 80, मैथ्स में आपके 75 पास थे, और 10 बोथ में फेल थे, बोथ में फेल थे, ठीक है ना। तो बोला कि एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होना, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होना। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए गाइस, मैं निकालता हूँ कि जो बोथ में पास होंगे, ठीक है ना, जब बोथ में पास होंगे तो वो हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर 105 ऐड कर देते हैं, दैट इज 155 माइनस 105, दैट इज 50। 50 लोग वो थे जो बोथ में पास थे, कितने बोथ में पास थे। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है ये इंग्लिश में पास है, ठीक है ना, 80 जो इंग्लिश में पास है, और यही क्वेश्चन ये देखिए 75 पास है। लेकिन इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है देखो, दो बार, मतलब बच्चे क्या हो रहे हैं, दो बार काउंट हो रहे हैं, तो ये बोथ वाला केस आ गया। तो बोथ कितने थे, तो बोथ मतलब 50 थे, 50 बच्चे दोनों सब्जेक्टों में पास थे। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ भाई बोथ में अगर पास थे, तो भाई सिर्फ इसमें इसमें कितने पास थे, 30, ये 50 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। ओके, और बोथ में पास थे 30 हो गया, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 50 में से आ जाएंगे 25, ठीक है भाई। ये 30 वाले इसमें पास थे, और यहाँ पे ये 25 पास थे, और ये 50 पास थे। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये तो आपके टोटल पास आ गए, आप इसे मल्टीप्लाई कर तो 105 ही आएगा, ठीक है ना। तो जो टोटल, जब भाई जो बोथ दोनों में पास हैं, ठीक है ना, उसमें अगर मैं 100, इसको हम क्या करते हैं कि जब हमें एटलीस्ट निकालना होता है अपोजिट में, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है एन यूनियन माइनस ऑफ, जो हमें अपोजिट में निकालना है, तो ये हो जाएगा एन यूनियन माइनस ऑफ जो बोथ में होते हैं पास। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये 50 आ गया, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए, ये 30 और 25, तो ये एटलीस्ट दोनों सब्जेक्टों में क्या थे, ये पास थे, तो मतलब 55 पास थे। तो 55 में से जो बोथ में फेल थे वो 10 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा का 45। इसका जो एक्चुअल में आंसर था वो 45 था, ठीक है ना। जिन्होंने 45 किया होगा उसका आंसर सही होगा। ये कॉम्प्लिकेशन, एक जिस दिन मैं अच्छे से बैलन डायग्राम वगैरह पढ़ाऊंगा, मैं अभी शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स क्लास, उसमें आपको ढंग से समझा दूंगा कि एक्चुअली में किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। इसमें बोथ, अब 10 उसमें बोथ दे रहे गए थे ना, 25, 30, 55, 55 में से क्या कर देंगे हम, 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, एक यूजुअल स्पीड में आ रखा था क्वेश्चन, ठीक है ना। उस यूजुअल स्पीड में बहुत बार हमने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था मैंने, उस ग्रुप में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, और परसों ये क्वेश्चन आ भी गया। उसमें लिखा था 4/5, 4/7 या 4/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, ऐसे कुछ देखा था, और जिससे क्या होता है वो 1.5 आवर लेट हो जाता है गाइस। इसी तरह का क्वेश्चन था आई थिंक, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बता देना। मतलब मैंने फैक्टर फिगर लिए थे, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई अगर वो अब पहले अभी की 4 ले रहा था, उसकी पहले की स्पीड 5 रही होगी, है ना, और अगर अब उसकी स्पीड पहले उसकी स्पीड 5 रही होगी, तो जब अगर वो 4 की स्पीड आ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा 5, और स्पीड क्या हो जाएगी, और टाइम यहाँ पे हो जाएगा 4। तो मतलब वो पहले 4 लेता था, और अब वो 5 ले रहा है, और लेट हो रहा है, मतलब इन दोनों का जो गैप है, मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना आ रहा है, आप करोगे तो 2/3/2, मतलब 3/2, मतलब करेंगे तो हम करेंगे, से हम कह सकते हैं 90 मिनट, 90 मिनट। तो मतलब 1 यूनिट का मतलब है 90 मिनट। तो अब 90 इंटू करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/5 = 450 मिनट, कितना 450 मिनट। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 4 × 9 = 360, 360 मिनट। तो 360 मिनट का मतलब है आपका 6/06 आवर्स। तो मतलब वो पहले पहले क्या करता था, 6 घंटे में डिस्टेंस कवर करता था, और अब वो कितने घंटे में कर रहा है, 7.5 आवर में, घंटे में डिस्टेंस कर रहा है। तो यही पूछा था कि वो कितने टाइम में कवर अप करता है, तो आंसर आपका 6 आवर्स, कि वो टाइम 6 आवर्स लेता है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया था, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किए थे क्वेश्चन, ठीक है। और कोई कॉन्ट का क्वेश्चन मुझे याद आएगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और परसेंटेज के दो गए, वो भी हो गया, डिस्टेंस के दोनों क्वेश्चन कर लिया हमने। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था बोट वाला, ठीक है ना। ये बोट वाला क्वेश्चन दोस्तों मुझे पूरा गलत लगा, ठीक है ना। इस बोट वाले क्वेश्चन में मुझे ये गलती लगी, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल समझ से परे थी, मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्योंकि उसने बोला कि जो पोज ए, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या था, मुझे क्यों गलत लगा ये। ए बी की 60 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है,
ठीक है, और एक बोट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और एक बोट ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। एक्सेप्टेड करता हूँ कि जो ऊपर वाली बोट होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। वो कहता है कि कुछ टाइम बाद वो मिडवे में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं कहता, कह रहा था कि मिडवे में। तो मिडवे का मतलब यह है कि 30 किलोमीटर ये चली होगी, 30 किलोमीटर चली होगी, ओके फाइन। लेकिन दूसरी उसमें ये कह रहा है कि वो क्या कह रहा था कि जो बी है वो टूअर्ड 10 किलोमीटर, 20 से 10 किलोमीटर दूर है। तो अब 10 किलोमीटर दूर कैसे पॉसिबल है जब आप कह रहे हो कि वो 30 किलोमीटर दूर है? इट इज टोटली, मेरी तो समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि शायद तो मिस प्रिंट या समथिंग कुछ था उस क्वेश्चन में। अगर कुछ आपको उनको अगर इक्वेशन बनानी भी पड़ती है, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती तभी भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल दे वट रियली दे वॉन्ट टू से वट द एक्चुअली द क्वेश्चन नीड्स, एक्चुअली वट द क्वेश्चन नीड्स एक्चुअली, है ना? वो भी हमको कुछ पता नहीं था, है ना, वट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड वट द रियली क्वेश्चन वॉन्ट टू आस्क। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मुझे समझ नहीं आई है बिल्कुल भी, समझ के प्रति कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। इवन मैंने इसके पीछे कम से कम अपने 15 से 20 मिनट मैंने आराम से वेस्ट किए। ठीक है ना, मैं अपना क्वेश्चन एक अपना पेपर 1 घंटे के आसपास ख़त्म कर चुका था, लेकिन आई एम जस्ट मैं इस पर ही अपना टाइम पास कर रहा था और जो बाकी क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो एक बोर्ड वाला क्वेश्चन था और बाकी मैंने आपको बता दिए। और कोई क्वेश्चन होगा तो याद नहीं आ रहा अभी के शायद से एयर और टाइम वन वर्क का तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं, याद नहीं आ रहा। ओके गाइज, यहाँ तक ही रखते हैं। ये जो क्वेश्चन थे जो आपके आप चेक कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि मैं आपको दूँ यहाँ पे जितने मुझे याद आए। और जीके के उसमें अगले उसमें अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करना, मैं जीके भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन थे और कितने कितने क्या क्या उसके आंसर थे। ठीक है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई सजेशन है तो डेफिनेटली सजेस्ट कीजिए, आपको कोई क्वेरी है आपकी डेफिनेटली क्वेरी के कमेंट कीजिए। और एक और चीज़, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, AJ02068। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा अपने इंस्टाग्राम पे। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेरा यूज़र आईडी है। ठीक है ना, तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, आपकी इज़ अप टू यू। और कोई क्वेरी है तो आप जनरली क्वेरी पूछने के लिए आप मुझे इसमें भी टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैंने छोड़ दिया है, मैंने बंद कर दिया है। ठीक है ना, तो आप लोग उसमें ना करके इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आता था तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जीके और इंग्लिश का भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मैं और करूँ। बाकी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में मुझे अभी तक मिले नहीं है क्वेश्चन पूरे के पूरे, मैथमेटिक्स वगैरह तो मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो जीके जूके क्वेश्चन है वो आपको अदर यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी मिल चुके होंगे तो उसका फायदा नहीं है। अगर कोई मैथ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मैं पूरा सॉल्व करके उसको आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।